स्वागत है और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं जहां पर सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। नीलम क्षेत्र की संस्थाएं नीलम शहरी पावक न नीलम क्षेत्र क्या हो न सोशली मारुत यानी ऐसे वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके अजर और अमर होने का देश भी श्रीमद् भगवत गीता जैसा पवित्र ग्रंथ देता है कि आत्मा तो अजर और अमर है, उसको इतने शस्त्र काट नहीं सकती, उसको कोई धर्मी जला नहीं सकती, वह किसी भी प्रकार के बाह्य कारणों से मुक्त होकर और उसको किसी भी प्रकार की कोई वायु सुखा भी नहीं सकती है, यानी वह अजर है, अमर है। ये शब्द श्रीमद् भगवत गीता जैसा पवित्र ग्रंथ भी हम सबकी प्रेरणा का आधार बनता है। वर्ष 2022-23 में कर्तव्य की वेदी पर प्राण निछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल के 3 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं सभी शहीद पुलिस जन को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे जाबांज पुलिस कार्मिकों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। पुलिस जन ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का सर्वोपरि मानकर प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, प्रदेश में सामाजिक सौहार्द स्थापित करने और विशेषकर महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा करने में एक सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है। विगत 6 वर्ष के दौरान प्रयागराज का दिव्य और भव्य कुंभ 2019, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022, नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में भी प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व कार्य किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर 2022 से 30 सितंबर 2023 के मध्य कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के साथ साथ
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, अन्य प्रदेशों के अर्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 140 शहीद कार्मिकों के आश्रितों को 38,96,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। प्रदेश के जनपद या विभिन्न इकाइयों में नियुक्त पुलिस कार्मिकों की सुख सुविधा के लिए इस दौरान उत्तर प्रदेश शासन ने 3,50,00,000 रुपए, कल्याण हेतु 4,00,00,000 रुपए, कार्यरत और सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों और आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के 301 दावों के निस्तारण हेतु 45,50,000 रुपए, 5,00,000 रुपए से अधिक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 63 प्रकरणों में 3,87,00,000 रुपए, 103 पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में 4,09,00,000 रुपए, जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 370 मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को 10,12,00,000 रुपए, 112 पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों द्वारा कराए गए कैशलेस उपचार में 1,11,00,000 रुपए, पुलिस कार्मिकों के 158 मेधावी बच्चों को शिक्षा निधि के माध्यम से 60,75,000 रुपए की छात्रवृत्ति एकमुश्त धनराशि का भुगतान किया गया। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कार्मिकों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए 5 अधिकारी और कार्मिकों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, 125 अधिकारी और कार्मिकों को पुलिस पदक प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1,154 कार्मिकों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 942 कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया। 5 राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक प्रदान किए गए। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 85 अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह तथा 408 पुलिस कार्मिकों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह भी प्रदान किया गया। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन डिस्क, 40 प्लेटिनम, 104 गोल्ड और 777 सिल्वर राजपत्रित और राजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए। हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए गए। वर्ष 2017 में राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस बल के विभिन्न पदों पर 1,51,985 भर्ती की गई, जिनमें से 22,044 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस विभाग के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर 1,34,233 कार्मिकों को पदोन्नति भी प्रदान की गई। 65,389 पदों पर भर्ती प्रक्रिया और 11,885 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी प्रचलित है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश पुलिस बल के बजट में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि की गई। वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16,115 करोड़ 18 लाख रुपए था,
जो वर्ष 2022-23 में 37,109,99,00,000 रुपए हो गया। पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 2,81,82,000 रुपए आवंटित किए गए। वर्ष 22-23 में 122,85,00,000 रुपए पुलिस आधुनिकीकरण हेतु आवंटित किए गए। पुलिस बल की क्रियाशीलता एवं प्रभाव में वृद्धि हेतु विभिन्न जनपदों में 39 पुलिस थानों, 1 महिला थाना, 6 नारकोटिक्स थाना, 36 पुलिस चौकियों, 1 जल पुलिस चौकी की स्वीकृति भी प्रदान की गई। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के 18 मंडल स्तर पर स्थापित इकाइयों को थानों के रूप में सूचित करने, 1 नए सर्किल असमौली की स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान की गई। शामली में पीएसी बहानी, लखनऊ में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय व 1 बहानी विशेष सुरक्षा बल, गोरखपुर में 2वीं बहानी विशेष सुरक्षा बल, उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई। बेहतर रणनीति एवं समन्वय सुरक्षात्मक प्रबंधन द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना कर शांति व्यवस्था में अपराध की स्थिति को सर्वथा नियंत्रित रखा है। प्रदेश में व्यापक सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबंध के फलस्वरूप समस्त महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां आदि सभी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इन आयोजनों को शांतिपूर्वक एवं सकुशल संपन्न कराकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं समस्त पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। हमारी सरकार के अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान मार्च 17 से सितंबर 23 तक की अवधि में 190 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, 5,591 घायल हुए। इस कार्रवाई में पुलिस बल के 16 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की। 1,478 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 69,332 तथा एनएसए में 887 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रदेश के चिन्हित माफियाओं के 44 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 20 माफिया तथा उनके 38 सहअपराधी कुल 58 को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा कराई गई। इनमें 2 को फांसी भी हुई। 68 कुख्यात माफिया अपराधियों व गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध कृत्यों में अर्जित संपत्ति की 3,650 करोड़ रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण या ध्वस्तीकरण व अवैध कब्जे से उन्हें अवमुक्त भी कराया गया। माफिया अपराधियों के अवैध संपत्ति का जब्तीकरण करते हुए उन पर निर्मल वर्ग हेतु आवास भी बनाए जा रहे हैं। अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करने का श्रेय उत्तर प्रदेश पुलिस बल की विधि सम्मत कठोर कार्रवाई, बृहत कार्य योजना एवं अथक परिश्रम को जाता है। वर्तमान में प्रदेश में ऐसा कोई संगठित अपराधी गिरोह नहीं जो जेल के बाहर स्वच्छंद विचरण कर रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। पुलिस की इन कार्रवाइयों ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर बालिकाओं, महिलाओं, कमजोर वर्गों, व्यापारियों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ किया है। प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता तथा पुलिस के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में
सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम है। सभी वर्गों में आपसी सौहार्द और समरसता अक्षुण्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इससे खासतौर पर बालिकाओं की सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। महिला सुरक्षा हेतु गठित विशेष दल के 30 सितंबर 23 तक 30,91,125 स्थानों पर सघन तलाशी करते हुए 7,330 अभियोग पंजीकृत कर 9,249 लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। 47,53,746 लोगों को चेतावनी भी दी गई। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान वर्तमान में संचालित है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि से मिशन शक्ति अभियान का चतुर्थ चरण प्रारंभ किया गया है। इसके तहत प्रत्येक गांव और नगर निकाय के वार्डों में केंद्र और राज्य शासन की नारी गरिमा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ी योजनाओं व महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों के प्रति महिलाओं सहित सभी वर्गों को जागरूक किया जा रहा है। महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में सभी थाना क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक थाने में महिला बीट आरक्षिता महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। सभी जनपदों में 15,130 महिला पुलिस कार्मिकों को नियुक्त करते हुए 10,378 महिला बीट का आवंटन भी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरे देश में सर्वाधिक अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में लगातार 3 वर्षों से प्रथम स्थान पर है। महिलाओं और बच्चों के संबंध में वर्तमान में कुल पंजीकृत अभियोगों के सापेक्ष डिस्पोजल रेट 98.28% के आधार पर उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में 17 नगर निगमों तथा गौतम बुद्ध नगर जनपद को सेफ सिटी के रूप में विकसित कराने के एक बृहद कार्यक्रम को प्रदेश उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने हाथों में लिया है। सी प्लान ऐप के माध्यम से 1,21,048 पुलिस कार्मिकों द्वारा प्रदेश के 19,73,144 संभ्रांत व्यक्तियों से नियमित प्रभावी संवाद भी सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में एक अभियान के अंतर्गत धार्मिक स्थलों से 98,639 लाउडस्पीकर हटाए गए, 1,04,049 लाउडस्पीकर की ध्वनि को मानक के अनुसार कम करवाया गया। दिनांक 31 मई 2017 से 30 सितंबर 2023 तक पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से 1,41,00,000 से अधिक स्थानों पर बृहद चेकिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत 5,50,00,000 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को भी इस दौरान चेतावनी दी गई। मादक पदार्थों के व्यापार या व्यसन की रोकथाम के लिए भी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 6 नार्कोटिक्स थाने गाजीपुर, बाराबंकी, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर और झांसी में स्थापित किए गए हैं। जोन स्तर पर 8 ऑपरेशनल यूनिट मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, आगरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज की स्थापना की गई है, जिनमें से 6 यूनिट्स मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, आगरा और वाराणसी क्रियाशील हैं। 1 जनवरी 2022 से 24 सितंबर 2023 तक अवैध ड्रग या मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर 1,497,45,73,000 रुपये से अधिक के मादक पदार्थों की बरामदगी की गई। 76,698 अभियोग पंजीकृत कर प्रभावी पैरवी के माध्यम से 1,970 प्रकरणों में सजा भी दिलाई गई है। अंत में
एक बार पुनः उत्तर प्रदेश पुलिस बल के उन वीर शहीदों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणोत्सर्ग किए हैं। मैं उनके परिवारजनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह अभी भी पुलिस परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। उनकी हर समस्या का निराकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और पूरा पुलिस बल पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश पुलिस बल के सभी सदस्य पूरी ईमानदारी कर्तव्य परायण का जन सेवा की भावना से कार्य करते हुए प्रदेश की जनता के मन में सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करेंगे। कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग करने वाले पुलिस बल के वीर शहीदों को एक बार फिर से मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन। तो ये आप लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को लाइव सुन रहे थे, जहां पर पुलिस दिवस पर उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही पुलिस वालों के लिए। तो इस खास बुलेटिन में